पीडीएफ ऑप्शन चालू कैसे करें, तो चालू करना आसान है। देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको ये क्रिएट जो दिया गया है इस पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दिया जाए, तो यहाँ से तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर रहते हुए आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, F11 की प्रेस करना है। क्या करना है, F11 की, और F11 के बाद यहाँ पर आएगा TDS, ये TDS आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ये यस हो जाएगा, एंटर कीजिएगा, ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए मैंने 10 रजिस्ट्रेशन नंबर और 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये दोनों डाल रखा है, दिख रहा है। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये डालना है, ये देखिए ये डिडक्टर टाइप कौन सा है, इंडिविजुअल है या कंपनी है, तो फिलहाल मैंने इंडिविजुअल रखा है, और यहाँ पे डिडक्टर ब्रांच जो है देवरिया रखा है, ठीक है। जो व्यक्ति टीडीएस काटेगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे मिस्टर अजय वगैरह वगैरह करके मैंने इनका पूरा डिटेल भर दिया, ठीक है, आप इसको भर लीजिएगा, एंटर करके नीचे आइएगा और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये टीडीएस तो चालू हो गया, अब टीडीएस कटेगा कैसे? देखिए टीडीएस एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा टैक्स होता है जो ना तो किसी वाउचर में एंट्री पास ही नहीं हो सकती। तो कौन से वाउचर में एंट्री पास होगी, इसके जनरल वाउचर में, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे F7 प्रेस करके जनरल वाउचर में, तो ये आ गया जनरल वाउचर में, यहाँ पर आपको डेबिट ऊपर ही दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये एंटर करके आएंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे जो भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर डेबिट दिख रहा है, तो डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पर सवाल यही होता है। तो यहाँ पे अल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन FD, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट आपने किया बैंक में, तो उस पर जो ब्याज मिला वो क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा, इनकम ही तो होगा। तो यहाँ पे आई प्रेस करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में इसे डाल देते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखते हैं, और यहाँ पे ये देखिए जीएसटी का डिटेल एंटर करना है। यहाँ पर आएंगे इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो बिल्कुल एप्लीकेबल है इस पे, ठीक है, क्योंकि ब्याज एक हद से ज्यादा जब मिलता है तो वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट हम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, ये लिख दिया, एंटर करेंगे। यहाँ पे सेक्शन वगैरह डाल सकते हैं, अब टीडीएस का सेक्शन क्या होता है, सेक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कुछ भी मैं फिलहाल डाल देता हूँ, 123 डाल दिया सेक्शन, पेमेंट कोड डाल दिया 148 डाल दिया, ठीक है। टीडीएस कटेगा कैसे, सवाल इसी बात का है, रिमिटेंस कोड 146 डाल दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर पैन कार्ड है तो कितना कटेगा, तो देखिए दिया हुआ रेट फॉर इंडिविजुअल HUF, मतलब पैन कार्ड है विथ पैन क्या है, तो 10% टीडीएस कटेगा, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे थ्रेश होल्ड लिमिट देना होता है, एक साल में अगर आपने ब्याज कितना प्राप्त किया, 40,000 से ज्यादा ब्याज प्राप्त किया या 50,000 से ज्यादा ब्याज प्राप्त किया, तो उस पे आपको टीडीएस देना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं 40,000 सेट कर देता हूँ, मुझे लगता है शायद यही चल भी रहा है अभी, ये एंटर कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे। तो इंटरेस्ट कितना मिला एक साल में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मान लीजिए मिल गया 70,000 रुपये, कितना मिल गया 70,000, तो ये 70,000 डाल दिया। अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो अल्ट सी करके क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना लेते हैं, ठीक है, मनोज सिंह कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब ये क्रेडिटर पार्टी का तो ग्रुप क्या जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप चूज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे टीडीएस को एप्लीकेबल करना बहुत जरूरी, और ये क्या है, यहाँ पे डिडक्टिव टाइप इनका क्या है, तो यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फिलहाल रखते हैं, और यहाँ पे यस रखेंगे, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे नीचे ना, तो यहाँ पर आते समय आपको पैन नंबर डालना बहुत जरूरी है, तो पैन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, तो ये पैन नंबर हमने डाल दिया, और यहाँ पे प्रोवाइड पैन यस कर देंगे, और यस करने के साथ ही यहाँ पे रेगुलर रखेंगे, और यहाँ पर बाकी छोड़ के चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये अपने आप डिडक्ट हो चुका है, देख सकते हैं ना, यहाँ पे 63,000 अपने आप आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस जाएगा ये, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे टीडीएस का लेजर आएगा, तो यहाँ पे टीडीएस का लेजर लगाइएगा इस तरीके से। अब ये टीडीएस का लेजर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे टी प्रेस करेंगे, टीडीएस का लेजर आ जाएगा, और यहाँ पे ये सीधा सीधा ये 7,000 कट के आ गया। तो ये इस तरीके से आपको टीडीएस की एंट्री पास करनी है, सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ सेक्शंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कैसे कटेगा, या अगर नहीं कट के आता है तो कहाँ आपको दिक्कत होती है वो आप जरूर सेट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना, समझ में आ गया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब इसका जो बिल दिखेगा वो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जनरल वाउचर वाला बिल है ये, है ना, अल्ट भी कीजिए, एंटर कीजिए, आई बटन प्रेस कीजिए, और यहाँ पे टीडीएस कटेगा तो उसकी रिसिप्ट मिलेगी, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, इसको करके देख लीजिए।